हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और व्लॉग लेके आई हूँ। काफ़ी टाइम बाद आप लोग के लिए व्लॉग लेके आई हूँ अपने चैनल पे। और मेरी एक वीडियो थी जिसमें कि मैंने 3 साल पहले अपनी सिस्टर के बर्थडे पे दिल्ली जाके उसको सरप्राइज़ दिया था। उसका रिएक्शन बहुत अमेजिंग था, बहुत सरप्राइजिंगली था। और वो मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी, वायरल हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोबारा से इस तरीके की आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँ। तो मेरी सिस्टर का बर्थडे नहीं है, बट यस, मैं 2 साल बाद अपने घर जा रही हूँ फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, अपने फैमिली से मिलने के लिए, शादी से पहले वाली फैमिली से मिलने के लिए। देखते हैं उन लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि उन लोग में से किसी को भी नहीं पता है कि मैं वहाँ आ रही हूँ। ना उन लोग के पास कोई क्लू है कि मैं वहाँ आने का सोच रही हूँ। बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई थी, इस वजह से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं जा रही हूँ और वहाँ चल के मैं आप लोगों को उन लोगों का रिएक्शन दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से देखते हैं उन लोगों का रिएक्शन कैसे रहेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हेलो गाइस, सो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे घर के नीचे और अब मैं ऊपर जा रही हूँ सीढ़ियों से। देखते हैं उन लोगों का रिएक्शन। मैं एक्चुअली गार्ड भैया की हेल्प ले रही हूँ ऊपर चढ़ाने के लिए सामान, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ पर लिफ्ट नहीं है। एंड आई हैव 2 बैग्स जो कि बहुत ही हैवी हैं। सो यस, छोटा बैग आई एम कैरिंग, बड़े बैग के लिए आई एम टेकिंग हेल्प। सो गाइस, मैं ऊपर तक पहुंच चुकी हूँ। क्या आप लोग रेडी हैं उन लोगों का रिएक्शन देखने के लिए? बहुत थक गई हूँ, तो चलिए जल्दी से देखते हैं उन लोग का रिएक्शन। कौन कौन है? कौन लाया? उठवाया गार्ड से। मैं मेरे को पूछ। So guys, कैसा था सरप्राइज? इस टाइम ये नींद से नहीं उठ पाई है? हाँ, मम्मी नींद से उठ के आई है। हेलो गाइस, सो आप लोगों ने देखा इन लोगों का रिएक्शन कैसा था। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू वैसा नहीं रहा, बट ओके, फिर भी ये लोग शॉक हुए मुझे देख के एंड दे वर हैप्पी कि उन्होंने मुझे 2 साल बाद फाइनली देखा एंड मज़ा आया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, 10:30 हो चुके हैं। मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, आप देख सकते हैं इसी कपड़ों में हूँ मैं, अभी तक नहाई नहीं हूँ आला सारा थोड़ा नहाने जाने में। तो पापा लेके आए हैं नाश्ता जो कि है छोले भटूरे, एंड दिल्ली के छोले भटूरे बहुत अमेजिंग होते हैं। तो मैं यहाँ आई हूँ एक लंबी सी लिस्ट के साथ कि मुझे क्या क्या करना है, किस किस से मिलना है, क्योंकि अक्सर मैं यहाँ आती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो इस बार इसलिए मैं लिख के लाई हूँ थोड़ा बहुत कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो अभी मेरी सिस्टर गई है किसी काम से, वो थोड़ी देर बाद आएगी, तो वो आएगी उसके बाद देखते हैं मैं क्या करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल छोले भटूरे खाते हैं। सो गाइस, ये रहे दिल्ली के फेमस छोले भटूरे, यमी यमी। हेलो गाइस, सो अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी मैं और मेरी सिस्टर किसी काम से बाहर गए थे, थोड़ी देर पहले आए हैं। और लंच भी हम लोगों ने अभी लेट किया है क्योंकि ब्रेकफास्ट में आप लोगों ने देखा हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। मैं वैसे ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, बट हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही है क्योंकि कल मैं सही से थोड़ा सो नहीं पाई एक्साइटमेंट की वजह से, तो इसलिए मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। अब मैं प्लान सोच रही हूँ कि सो जाऊँ। सो गाइस, आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अभी तक अपनी किसी भी व्लॉग में जिक्र नहीं किया है इस चीज़ का। जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट, मैंने बोला था एक वायरल हुई थी वीडियो सरप्राइज़ वाली, उसमें मेरी डॉगी थी, मेरी पेट थी मतलब, वो बहुत क्यूट थी, शी वॉज सो क्यूट। बट 2 साल पहले वो हमें छोड़ के जा चुकी है, तो मैंने अपनी किसी वीडियो में ये चीज़ का जिक्र नहीं किया है।
बट हो सकता है आप लोगों में से कई लोग मुझे मैसेज करके पूछें कि वो कहाँ है और आप उसको व्लॉग में इस बार क्यों नहीं ले रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूं। सो या चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं दिल्ली आई हुई हूँ अपने पेरेंट्स के यहाँ पर। उनको मैंने सरप्राइज़ दिया था और आप लोगों ने देख लिया होगा उन लोगों का रिएक्शन। वैसे ही आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड, बचपन की जो दोस्त चड्डी बड्डी बोलते हैं, उसके यहाँ आई हूँ उसको सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि मैं दिल्ली आई हूँ। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर मी सिंस सो लॉन्ग, लाइक माई पेरेंट्स। सो यस, मैंने उसको निकलने से पहले कॉल किया था पूछने के लिए कि वो घर है कि नहीं है ये, और वो घर पे है। जल्दी से चलते हैं, उसके घर के बाहर ही हूँ मैं, और देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहता है। होनी चाहिए बदतमीज इंसान तू।